2024 में आम चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन को तैयार कर लिया। लेकिन अब इस गठबंधन में आपस में ही नहीं बन रही, इंडी गठबंधन को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। टीएमसी के बाद अब सपा ने भी इंडिया अलायंस से दूरी बना ली है। इस गठबंधन का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी के दमदार चेहरे के सामने विपक्षी किसे उतारे ये तक तय नहीं है। और ये मुद्दा तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे को लेकर ही ये सभी एक राय नहीं हो सके। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी अलग रणनीति बना ली है और अब एक मंच पर अपनी अलग अलग नीतियां लेकर जब ये पहुंचे तो इनके बीच में मतभेद होना तो भाई तय ही था। इस गठबंधन के भविष्य की भविष्यवाणी तो पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अब वो भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत होने लगी है, या यूं कहें कि अब आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से गठबंधन में एक एक करके दरार पड़ती जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपसी कलह जो है वो सबके सामने खुलकर आई है। दोनों एक दूसरे की खुलकर बुराई कर रहे हैं, पंजाब में फजीहत हो रही है, वहीं अखिलेश की नाराजगी भी सभी जानते हैं। तो अब उसके बाद ममता बनर्जी ने भी इस अलायंस से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक हर पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर तलखी देखने को मिल रही है। सभी एक दूसरे से नाराज हैं। अब कांग्रेस ने सोचा कि क्यों ना इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि किसी भी तरह से कांग्रेस इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। दरअसल शनिवार को गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी, यानी कि आज, इसमें वर्चुअली जुड़ने के लिए ममता बनर्जी को कहा गया, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ने इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं कि बंगाल में वो सिर्फ दो ही सीटें कांग्रेस को देंगी, इसके अलावा वो इस अलायंस को और सीटें नहीं दे सकती। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ममता बनर्जी कांग्रेस पर उनके खिलाफ काम करने का आरोप भी लगा चुकी है, वो भी भरे मंच में। भरे मंच से ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद भी टीएमसी के खिलाफ काम कर रही है। अब आम चुनाव नजदीक हैं, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा इस पर इंडिया गठबंधन में अब तक माथापच्ची जारी है। इसका हल निकालने को जब कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई तो इस बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, टीएमसी का कोई प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल नहीं होगा। इस वर्चुअल बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेताओं को शामिल होने के लिए बोला गया था। इस बैठक में सीट बंटवारे के साथ गठबंधन का संयोजक बनाने पर भी चर्चा होनी थी, जिसके लिए नीतीश कुमार का नाम तय माना जा रहा था। हालांकि टीएमसी का यह कहना है कि पार्टी गठबंधन के लिए तो प्रतिबद्ध है, लेकिन शनिवार को ममता बनर्जी दूसरे कार्यों में व्यस्त है, जिसके चलते वो गठबंधन की बैठक में नहीं शामिल हो सकेंगी, क्योंकि इसकी जो सूचना दी गई थी वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर दी गई थी और वो अपने कार्यक्रमों में बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन ये तो सिर्फ देने वाला बयान हुआ। सोचने वाली बात तो ये है कि गठबंधन में टीएमसी ने अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा, आखिर क्यों नहीं भेजा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी बीच एक खबर ये भी आई कि इतना ही नहीं कि सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के बीच भी तकरार है। जो बैठक शुक्रवार को इनके बीच में होनी थी, यानी कि 12 तारीख को जो बैठक होनी थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने भी बैठक करने से इनकार कर दिया था। पार्टी के संग कांग्रेस की ये बैठक जो रद्द हुई, उसमें सपा का कहना है कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। बता दें कि कांग्रेस ने टीएमसी के नेताओं को जब बैठक का जो प्रस्ताव दिया और टीएमसी ने बैठक में अपने प्रतिनिधियों तक को भेजने से इनकार किया। अगर सूत्रों के हवाले से बात अगर हम आपको बताएं तो टीएमसी के शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि पार्टी सुप्रीमो तो पहले ही बता चुकी है कि दो सीट देने का प्रस्ताव दिया था। अब ऐसे में जब प्रतिनिधि को भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब बातचीत हो तो शीर्ष नेतृत्व के बीच ही हो ताकि फैसला कुछ निकाला जा सके। बता दें कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां इस गठबंधन में अपनी सीट किसी दूसरे को नहीं देना चाहती, यानी कि अपनी जमीन में वो किसी और की सेंध नहीं लगवाना चाहती। इसी के चलते इंडी अलायंस में पेच फंस रहे हैं और एक दूसरे से नेता नाराज भी हो रहे हैं। आलम यह है कि गठबंधन तो बन गया लेकिन कोई भी एकमत नहीं है। बहरहाल इस मामले में आपका क्या मत है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।